पॉजिटिव थिंकिंग इज अ मस्ट एनी वे लेट्स गेट बैक टू रियालिटी आज हम एक आ, वीडियो में एक नए चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं विस्तार का ये चैप्टर है जिसमें जिसका नाम है जर्नी टू तो द एंड ऑफ द अर्थ नाम में बहुत रहस्य बहुत रहस्य एक्चुअली नाम सोचो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ दो बातें क्लियर करता है पहली सच में जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ मतलब सच में अर्थ के एंड पे एंड के पे जर्नी है बिकॉज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कोल्डेस्ट विंडीएस्ट, ड्राइएस्ट रोइस्ट कॉन्टिनेंट एंटार्टिका के बारे में इट्स लिटरल लिटरली एंड ऑफ़ द अर्थ और दूसरा हम यह बात करने वाले हैं एंटार्टिका के उन कंडीशंस के बारे में जो कि कहीं ना कहीं ये हाईलाइट करा रहे हैं कि भाई अर्थ खत्म हो जाएगी अब ये जो जर्नी है ना जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं हम हमारे अंत के करीब पहुंचते जा रहे हैं तो टाइटल के अंदर ये था रहस्य और अब आप जब ये समझ गए हो तो आपको समझ में आ गया कि एंटार्टिका है ईवी होने वाला है और साथ ही साथ में यहाँ पर ये भी एक बात है कि ठीक है हम लोग हमारे अंत तक पहुंच रहे हैं तो कुछ लिटरेचर भी हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है हाँ तो चलिए फिर फटाफट से इस चैप्टर को शुरू करते हैं चैप्टर के अंदर वोकैबलरी का भारी प्रयोग किया गया है अच्छी वोकैबलरी का भारी प्रयोग किया गया है ऐसी वोकैबलरी है जो आप बिल्कुल ईवीएस में सुने होंगे बट डोंट वरी हम लोग साथ ही साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे ऑल्सो आपको तो पता ही है कि मैम आपको एनी वे कवर करवा देती है तो चलिए इसी बात पर हम लोग शुरू करते हैं आज के हमारे इस चैप्टर को अभी चैप्टर को किसने लिखा है तशानी दोषी ने लिखा है तो फटाफट से ऑथर वो भी कर दीजिए बिकॉज ऑथर का नाम याद रहता है तो एकदम झकास आंसर्स आप लिख सकते हैं तो चलिए फिर इसी बात पे शुरू करते हैं ऑथर कहती हैं कि यार देखो अभी इस साल की शुरुआत के अंदर मैंने देखा कि मैं यू नो बोर्ड कर रही थी एक रशियन रिसर्च वेसल पूरा यार इस साल की शुरुआत में मैंने बोर्ड की मतलब मैं चढ़ी आ, मैं मैं गई किसके थ्रू एक रशियन रिसर्च वेसल के थ्रू जिसका नाम था चोकल्स की अब ये जो वेसल है ये जो शिप है आ, ये जो आ, एक यू नो एक वे है ट्रांसपोर्ट करने का मीडियम है ये किधर जा रहा था हेडिंग टूवर्ड्स कोल्डेस्ट ड्राइस्ट विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट जिसका नाम था एंटार्टिका तुम्हारी दिशानी दोषी कह दी है यार तुम जाते होंगे मॉल दीवल तुम्हारे को ऐसे घूमने के मजे आते होंगे हम ऐसे नहीं घूमते हम पहुंचे सीधे अंटार्टिका दुनिया के सबसे कोल्ड दुनिया के सबसे ड्राई सबसे विंडियस कॉन्टिनेंट में पहुंच जाती है हमारी ऑथर तिशानी दोषी और वो बताती हैं कि उनकी जर्नी जो है वो 13.09 पॉइंट डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर से शुरू हुई थी मैड्रास से और इसके अंदर उन्होंने याद रखने वाली बात है क्योंकि इसी चीज को रिपीट करेंगी चैप्टर के एंड में उन्होंने नौ टाइम जो छह चेक पॉइंट तीन बॉडीज ऑफ वाटर, नॉट सात समुंदर पार खमान एटलीस्ट एज मैनी कॉस्पेस इतना सब क्रॉस करके वो एंटार्टिका पहुंच गई उन्होंने बोला जिस वक्त तक इतना सब क्रॉस करके जिस वक्त तक मैंने एंटार्टिका पे अपना पाव रखा मैं ऑलमोस्ट हजार घंटे इन कॉम्बिनेशन हर तरीके से कार से एरोप्लेन से शिप से सारे तरीकों से 100 घंटे की जर्नी तय करके एंटार्टिका पहुंच गई थी अब यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है भाई एंटार्टिका पहुंचते ही तिशानी दोषी का पहला एक्सप्रेशन क्या रहा होगा हम राजस्थानी का तो ऐसे ऐसे झरने वरने दिख जाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं यार हाँ ऐसे स्नो दिख जाएगी तो ही जाएंगे यार स्नो ही दिख गई है खुशी हो जाएंगे एकदम ही अब देखो यार ये भी मैड्रास ही है अब आपको पता है कि साउथ यू नो एक सन वर्शिपर है और वहां पर पहुंच गई होंगी तो स्नो वनो देख खुशी हो गई होंगी यार देखो देखते हैं क्या कहती है मेरा पहला इमोशन क्या था कि मैंने जैसे ही एंटार्क्टिका का एक्सपांसिव वाइट लैंडस्केप खूबसूरत सफेद बड़ा सा लैंडस्केप जब देखा तो मेरा पहला जो इमोशन था और अच्छा इसके साथ साथ में एक अनप्टेड ब्लू होराइजन उन्हें जो देखने को मिला है जो खूबसूरत आसमान और सफेद एकदम स्नो आसपास उन्हें देखने को मिली है वो एकदम से उनको फिल कर देता है सिर्फ और सिर्फ वंडर वो भर जाती है पूरी तरीके से वो चौक जाती है यार ये क्या है ये मतलब ये इतना कैसे खूबसूरत हो सकता है ये इतना डिफरेंट कैसे हो सकता है पर सिर्फ यही नहीं है जो उन्हें चौका देता है वो चौक जाती है इस बात को लेकर कि कितना है है ये आइसोलेशन इसके साथ साथ इसकी इसकी अकेलेपन को देख करके कि किस तरीके से दुनिया से कोसो दूर है ये पर इससे भी ज्यादा वो इस बात को लेकर चौक जाती है कि कैसे इंडिया और एंटार्क्टिका भाई भाई हुआ करते एक जमाने में इंडिया और एंटार्टिका एक दूसरे के साथ हुआ करते थे एक ही लैंड मास का हिस्सा होता है एक कजन होता है जो ऐसे बढ़िया से एग्जाम एग्जामों की तैयारी कर रहा होता है आप कहीं पर भी जाओ कितना ब्यूटीफुल वाटर है और नहीं इस वाटरफॉल को ये कहते हैं कितनी प्यारी स्नो है लैंडस्केप को ये कहते हैं उसको सारी चीजें पता हो रही होती है हर चीज की हिस्ट्री जोग्राफी सब उसको पता हो रहा होता है हम वहां मोमेंट को इंजॉय कर रहे होते हैं वो आपको सारा बता देगा कहते हैं इसका मतलब गूगल है चलता फिरता वैसी ही थी हमारी तिशानी दोषी आप सोचो सामने को सो दूर दूर तक जहां तक आपकी नजर जा रही है सिर्फ बर्फ है सिर्फ बर्फ देखने को मिल रही है और एक भी परिंदा भी पर नहीं मार रहा वहां पे और वहां जाकर ये, ये सोच रही हैं कि कैसे अंटार्क्टिका और इंडिया एक ही लैंड मार्क्स का हिस्सा हुआ करते थे बच्ची थी टपर बच्ची, मैं कह रही हूँ ना आपको एनी anyway, अब जैसे ही वो यहाँ पर इसके बारे में बताती है तो चलिए हम भी चलते हैं फिर हिस्ट्री में बताया जाता है कि यार 650 मिलियन साल पहले एक बहुत ही बड़ा अमलगमेटेड यानी के जुड़ा हुआ सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जो आपने भी पढ़ा होगा अपने एसएसटी में और खबरदार जो किसी ने कमेंट किया मैम छोड़ आए वो गलियां पटाई हो जाएगी यही मैं बढ़ा दूंगी गोंडवाना बोला कि यार 650 सौ पचास मिलियन साल पहले एक बहुत ही बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था गोंडवाना और आप सोचो कि ये गोंडवाना आज जहां पर एंटार्टिका एग्जिस्ट करता है वहीं एग्जिस्ट किया करता था उस वक्त चीजें काफी अलग हुआ करती थी ह्यूमंस अभी तक आए नहीं थे ओ तभी इतना चल गया Humans अभी तक आ, ग्लोबल सीन पे आए नहीं थे क्लाइमेट जो था वो काफी वॉर्म हुआ करता था आपको वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना फलते फूलते दिखते होंगे ठीक है और 50, 500, सौ एम सॉरी पांच मिलियन साल तक गोंडवाना इसी तरीके से थ्राइव किया मतलब आज के 650 साल पहले गोंडवाना हुआ करता था और 500 650 मिलियन साल पहले गोंडवाना हुआ करता था और 500 मिलियन साल तक वो आराम से थ्राइव किया उसे कोई परेशानी नहीं आई बट अराउंड जिस टाइम पर डायनासोर्स गायब होने लगे मैमल्स यहाँ पर आने लगे लैंड मासस जो है वो भी सेपरेट होने ये जो लैंड मास है ये लैंड मास कंट्रीज के अंदर डिवाइड हो गया ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिवाइड हो गया और इसने जन्म दिया उस ग्लोब को जो आज हम तो जिस ग्लोब को आज आप देखते हो वो सब कुछ इसकी वजह से हुआ है एनीवे anyway, अब यहां पर अगर आप एंटार्टिका को विजिट करते हो तो इसका मतलब है कि आप उस हिस्ट्री का हिस्सा आप उस हिस्ट्री का हिस्सा हो उस लैंड का हिस्सा हो जो 6, 650 सौ पचास मिलियन साल पुरानी है ठीक है ओके आप यहां पर एंटार्टिका को विजिट करते हो तो आपको आइडिया लगता है कि यार हम कहाँ से आए हैं ठीक है और साथ ही साथ में हम कहाँ जाने वाले हैं यानी का मतलब है एंटार्टिका हमारा पास्ट हमारा प्रेजेंट हमारा फ्यूचर सब होल्ड करता है एंटार्टिका ये सब होल्ड करता है अच्छा अभी आपको यहाँ पर उन्होंने कुछ कुछ चीज़ों के बारे में बताया है जो यहाँ हमारे जानने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है उन्होंने यहाँ पर डिस्कशन किया है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉर्डिलेरिन फोल्स द प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शीट, ओजोन एंड कार्बन इवोल्यूशन एंड एक्सटिंग आप यहाँ पर आएंगे आपको ये सारी चीज़ों के मतलब समझ में आएंगे ये सारी चीज़ें जो हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में पढ़ा करते हैं जो लेयर्स की हम अर्थ के बाद किया करते हैं जो हम बात करते हैं किस तरीके से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम इवॉल्व हुए हैं स्पीशीज़ इवॉल्व हुई हैं किस तरीके से स्पीशीज़ एंडेंजर और उसके बाद में एक्सटिंक्ट हुई है ये सारी बातें आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर समझ में आएगी आपको ये समझ में आएगा कि मिलियन सालों में क्या क्या हो सकता है और ये सोचना भी काफ़ी ज़्यादा माइंड यू नो माइंड बॉगलिंग हो सकता है कि यार ये सच में मिलियन साल पुरानी बात है और लिटरली इतने सालों में क्या से क्या हो चुका है अर्थ ठीक है बाद में वो बताते हैं कि अभी ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि ठीक है वो कंट्रीज में डिवाइड हो गया अब उन्हीं में से एक कंट्री है जिसे हम हमारा महान भारत तो बिल्कुल यहां पर इंडिया जो है इंडिया नॉर्थवर्ड पुश हुआ वो एशिया से जाकर यू you नो know, एशिया से जाकर मिल गया अपनी क्रस्ट को उसने जोड़ लिया एशिया के साथ में और फॉर्म किया हिमालय एंड दैट इज वाई एंटार्क्टिका और इंडिया छोटे भाई भाई तो एंटार्क्टिका का छोटा भाई इंडिया इंडिया में तो ऐसी चीजें हो रही है हमारा भारत इतना महान है आपको किसी और विदेश कंट्री में कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है हर तरीके का फ्लोरा फोना आपको हर तरीके का क्लाइमेट इन्वायरमेंट सब मिल जाएगा तो बेसिकली यहां पर यह बताया जा रहा है कि किस तरीके से यह जो टुकड़ा इस लैंड मास का टूटा और नॉर्थवर्ड्स पुश हुआ और एशिया में जुड़कर इसने हिमालया फॉर्म किया और महान भारत बन गया और ऐसे ही कहीं ना कहीं साउथ अमेरिका भी टूटा नॉर्थ अमेरिका के साथ दोस्ती करने के लिए और उसने एक ऐसे पैसेज का संचार किया ये ये चॉकलेट नहीं है जो हम तोड़ रहे हैं ये ये ले तेरी आया एक तेरी दो मेरी ठीक है तेरा तीन मेरा वो नहीं कर रहे हैं हम कि इससे कोई एसोज फर्क ही नहीं आएगा ये बाकायदा लैंडमार्स है अर्थ पे जो टूट रहा है और जुड़ रहा है किसी से तो इसने एक ऐसे पैसेज का संचार किया शुरुआत किया जिसकी वजह से एंटार्क्टिका आइसोलेट एक ऐसे सर्कम पोलर करंट की वजह से कि एंटार्टिका ठंडा हो गया फ्रिजिड हो गया बेचारा अकेला हो गया और इस दुनिया के अंत में पहुंच गया इस दुनिया के एंड में रह गया ठीक है तो यहां पर इन्होंने ये हिस्ट्री के बारे में इसलिए बात की है कि एंटार्क्टिका जो है ये एंटार्टिका मच हम एंटार्टिका के हिस्सों पे ऑलमोस्ट रह रहे हैं इसके बारे में ये बताने की कोशिश करिए कितना पुराना एंटार्टिका है। वो बताती है कि यार मैं एक सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन हूं ठीक है और यहां पर मेरे दो हफ्ते गुजारना जहां पर अर्थ का नाइनटी टोटल आइस है मतलब अर्थ की 90 परसेंट टोटल आइस का 90 परसेंट एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा यहाँ पर मेरे दो हफ्ते गुजारना एक चिलिंग प्रोस्पेक्ट था पन है जी यहाँ पे क्योंकि यह आइस है तो सच में ठंडा भी था ये आइस है तो सच में भी ठंडा था बट एट द सेम टाइम ये चौका देने वाला भी था ये माइंड में आपको वंडर क्रिएट करने वाला भी था तो दोनों चीजें दोनों बातें उन्होंने यहां पर कह दी उन्होंने बता दिया कि यहाँ पर जब मैंने देखे कि कैसे सारी चीजें फंक्शन करती है ये सारी चीजें कैसे दिख रही हैं एंटार्टिका को फेस करना फील करना चिलिंग है बोला ऐसा लगता है जैसे बड़ी सी पिंक पंग बॉल पे चल रहे हो आपको यहाँ पर ह्यूमन्स की कोई निशानियां नहीं मिलेंगी आपको यहाँ पर ह्यूमन्स की कोई निशानियां नहीं मिलेंगी आपको ह्यूमन्स की निशानियां हर जगह मिल जाएंगी या नहीं मिलेंगी ह्यूमन्स ने मॉन्यूमेंट्स नहीं छोड़े हैं वहां पर दिल बना बना के बीच बीच में एरो लिख के आ जाते हैं

तो यहाँ पर आपको कोई ह्यूमन मार्कर्स नहीं देखने को मिलेंगे कोई पेड़ नहीं देखने को मिलेंगे कोई बिल नहीं है कोई बिल्डिंगे नहीं बना रखी किसी ने कुछ नहीं है यहाँ पर कुछ नहीं है और अगर यहाँ पर ह्यूमन बींग्स का आना जाना आसान हो जाए ना अगर तो ये मिल जाएंगे आपको क्या तो यहाँ पर भी राजू चाय वाला है भैया तो चाय कैसे दे रहे हो गए तो अंटार्क्टिका है तो यहाँ पर थोड़ी महंगी है अपने तो अलग फिर कोई बात नहीं बोले यहाँ पर जैसे आप आते हो यहाँ पर ये ह्यूमन मार्कर्स नहीं है इसलिए आपके सारे अर्थली सेंसेस जो है ना आपका अर्थ का जो विजन है अर्थ का जो विजन है ये पेड़ ठीक है बिल्डिंग्स इधर उधर एड्स जीवन के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे पेंट मिल रहे हैं लोगों ने थूक थूक के पेंट कर दिए हे यू एंड इसके साथ साथ में मॉन्यूमेंट्स गंदे हो रहे हैं कचरे वचरे ये जितना भी आप देखते हो जो आपकी अर्थली सेंसेस हैं वो खत्म हो जाएंगे आप आपको टाइम का भी कुछ पता नहीं रहेगा आप यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे ना तो यहाँ पर आपके विजुअल स्किल्स माइक्रोस्कोपिक से लेकर माइटी है मिजिस से लेकर माइट्स तक आपको सब मिलेगा ब्लू वेल से लेकर आइसबर्ग इतने बड़े आइसबर्ग की वो पिछली बार जब एक बार देखा था लार्जेस्ट रिकॉर्डेड आइसबर्ग को वो बेल्जियम जितना बड़ा था बेल्जियम कह रहा मेरे को क्यों तोड़ा <laughs> बेल्जियम तो बेल्जियम तुम इतने ही हो तुम्हारे जितना तो आइसबर्ग है एंटार्टिका में क्या करें तो यहाँ पर एकदम सोचो कि एकदम बेल्जियम के साइज के आइसबर्ग है ठीक है वहां पर तो आपको यहाँ पर लिटरली छोटे से लेकर एकदम बड़े से बड़ा जीव आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पर कुछ पता नहीं चलता दिन गुजरते रहते हैं गुजरते रहते हैं चौबीस घंटे कैसे निकल जाते हैं कुछ अंदाजा नहीं लगता यहाँ पर एक एक बहुत ही अजीब सा, ओमनी प्रेजेंट हर जगह फैला हुआ यूबी कुछ साइलेंस देखने को मिलेगा एक अजीब सी शांति आपको चारों ओर देखने को मिलेगी ये शांति अगर कहीं पर भी भंग होती है तो सिर्फ और सिर्फ तब भंग होती है जब ओकेजनल एवलॉन्श होते हैं जब एकदम से बर्फ जो है वो गुड़गुड़ गुड़ 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 गिरती है एकदम स्पीड के साथ में बर्फ आती है और वो गुड़ 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 करती है सिर्फ इसकी वजह से आपकी शांति भंग होगी अदरवाइज सबसे शांत है यहाँ पे कोई हॉक नहीं कर रहा हो अगर आगे चलाया तो कहा चलाऊ यार आगे चलाया यार लेट हो रहे हैं हम कुछ नहीं देखने को मिलेगा आपको ये सब कुछ यहाँ पर बहुत शांति है बहुत शांति है तो आपको यहाँ पर आई शीट का काल को देखने के अलावा ये एवलांश के अलावा और कुछ भी नहीं है जो आपका शांति भंग कर सकता ये सब कुछ आपको कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं आपको फोर्स करेगा ये कहीं ना कहीं आप आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप अर्थ के कितने इंपॉर्टेंट हिस्से में पहुंच गए हो आप यहाँ पर पास्ट को इमेजिन करने लगते हो आप यहाँ पर फ्यूचर को इमेजिन करने लगते हो और ये जो प्रोग्नोसिस है ये जो फ्यूचर का इमेजिनेशन है एंटिसिपेशन है ये ह्यूमंस के लिए अच्छा नहीं जिस इस हिसाब से हमारे आने से एंटार्टिका के साथ में वो हो रहा है जिसके लिए एंटार्टिका बना ही नहीं था इसका प्रोग्नोसिस भविष्यवाणी इसका जो हम फ्यूचर देख रहे हैं वो इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं है 12 so बारह हजार, साल, हजार, हजार, हजार सालों तक आपको यहाँ पर जियोलॉजिकल क्लॉक में देखने को मिलेगी और अगर आप जियोलॉजिकल क्लॉक को देखते हो तो बारह हजार साल कुछ सेकंड्स में गुजर जाते हैं कुछ सेकेंड्स के जैसे लगते हैं बारह हजार साल से हम यहाँ पर है और इतने छोटे टाइम में कलेश कर दिए हमने इतना छोटा टाइम हम यहाँ पे रहे हैं वो छह सौ पचास मिलियन साल पुराना था गोंडवाना हम बारह हजार साल पहले आए और हमने उसमें भी कलेष कर दिया इंडिया दे दो हमको इधर अब देख रहे हो किस तरीके से हमने हमारे हमारा नेचर के ऊपर एकदम जमा लिया है अपने विलेजेस अपने टाउन्स अपने सिटीज मेगा सिटीज हम करते जा रहे हैं बनाते जा रहे हैं विस्तार करते जा रहे हैं ये जो ह्यूमन पॉपुलेशन के चलते हम लोग यहाँ पर बैटल कर रहे हैं रिसोर्सेस को लेकर कुछ नहीं बचेगा पीछे कुछ भी नहीं बचने वाला है इन लिमिटेड रिसोर्स के रिसोर्सेज के लिए जो हम फाइट कर रहे हैं कुछ भी नहीं बचेगा ये जो फॉसिल फ्यूल्स के हम बट्टियां लगा रहे हैं खत्म करे जा रहे हैं कुछ नहीं बचेगा और इससे ना तो सिर्फ हम लोग अपने फॉसल फ्यूल्स को ख़त्म कर रहे हैं बट एट द सेम टाइम ये एक चादर है कार्बन डाइऑक्साइड की जो हम पूरे वर्ल्ड को उड़ा रहे हैं हम ये कर रहे हैं हम बारह हजार साल पहले आए हैं पर हमने तबाही ऐसी मचा ली है कि जैसे शायद हम हमेशा से यहीं पे थे हम इस तरीके से ख़त्म कर रहे हैं धीरे धीरे हम लोगों की गलती की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़े जा रहा है यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात जो है वो कहीं ना कहीं हमारे यू नो ऑथर ने यहाँ पर कही है और मेरे को बहुत ही अच्छी ये चीज लग रही है कि जैसे आप यहाँ पर बात करते हो ना क्लाइमेट चेंज यार कितने बच्चे होंगे आज जो ये वीडियो देख रहे होंगे और उन्होंने अपने स्कूल में कभी तो क्लाइमेट चेंज पे डिबेट या फिर कोई स्पीच सुनी होगी कहीं तो किसी तो नेता को बोलते हुए सुना होगा किसी इंसान को बोलते हुए सुना होगा अपने खुद ने अपने टीचर्स को बोलते हुए सुना होगा कहना बहुत आसान है क्लाइमेटिक चेंजेस के बारे में बात करना आवाज़ उठाने के लिए अर्ज करना बहुत आसान है आप जब अपने सोफा पे बैठे रहते हो घरों के अंदर और बैठ देख रहे होते हो हाँ हाँ ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है हाँ हाँ क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं ये करना बहुत आसान है बट जब आप रियालिटी में एंटार्टिका जाते हो और वहां जाकर देखते हो कि जितनी भी चीज़ें आप ई में बिना मन के पढ़ते हो ये जितनी भी चीज़ें जो आप लोगों को कहते हुए सुनते हो ये रियल है ये रियल है जब उसे फील करते हो कि ये चीज सच में एग्जिस्ट करती है और इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा आएगा तब जाके आप उसे कहीं ना कहीं अपने अंदर से यू नो इम्प्लाय करने की कोशिश करते हो आपके अंदर इम्प्लाय करने की कोशिश करते हो और उसके लिए कुछ एफर्ट्स करने की कोशिश तो आपको पता है कि इन्वायरमेंटल डिबेट्स में बढ़ चढ़कर इस पर डिस्कशन किया जाता है हम लोग डिस्कशन करते हैं इस बात पे कि द वेस्ट एंटार्टिक आइसार्डिका की शीट पूरी तरीके से पिघल जाएगी क्या विल गल्फ स्ट्रीम का ओशन जो है वो डिसरप्ट हो जाएगा खराब हो जाएगा उसके साथ छेड़छाड़ हो जाएगी या विल इट बी वर्ल्ड क्या ये दुनिया का आ, अंत होगा हो सकता है नहीं भी हो सकता है। किसी भी तरीके से किसी भी तरीके से आप देख लो एंटार्टिका एक ऐसा हिस्सा है एक ऐसी जगह है जो कि कहीं ना कहीं आपके इन सारे सवालों में घिरी रहेगी आपको हर सवालों में एंटार्टिका का जिक्र मिल एंटार्टिका इकलौती ऐसी प्लेस है जिसने कभी भी ह्यूमन पॉपुलेशन को सस्टेन नहीं एंटार्टिका एक ऐसी जगह है जहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रह सकती एक ऐसी जगह है जहां ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रह सकती इसी वजह से ये सबसे प्रिस्टीन प्रिस्टाइन कंडीशन के अंदर है अछूत है एकदम से कि इसके साथ में इसको किसी ने अभी तक टच नहीं किया एकदम प्योर है पाक है जैसी थी वैसी है इसके साथ छेड़छाड़ जो है वो नहीं की गई ठीक है तो एकदम से प्रिस्टीन कंडीशन के अंदर वो जैसी थी उसकी जो प्राइमरी कंडीशन थी उसी में है वो आपको यहां पर यह भी देखने को मिलेगा कि ठीक है ये तो इस रिस्पेक्ट में तो है बट अगर हम देखें तो इसने कितने टाइम से यू नो हाफ अ मिलियन योर ओल्ड कार्बन रेकर्स अपने आइस के लेयर्स के अंदर दबा रखे ये जो धुआं आपको दिखता रहता है पॉल्यूशन आपको दिखता रहता है जाकर यहाँ पर एक्यूमिलेट हो जाता यहाँ जाकर ये इकट्ठा हो जाता है और अगर हम लोग अर्थ के पास्ट को प्रेजेंट को फ्यूचर को देखना चाहते हैं एग्जामिन करना चाहते हैं तो एंटार्टिका ही वो जगह है जहाँ आपको जाना चाहिए क्योंकि तो को देखकर आपको अर्थ का पास दिखता है जब आप वहां पर सारे मूवमेंट्स होते हुए देखते हैं तो अर्थ का प्रेजेंट दिखता है और जब वो मूवमेंट्स इतने स्पीडी होते हैं तो आपको आपका फ्यूचर भी दिखता है कि जो बातें हम सुनते हैं जो इन्वायरमेंटल स्टडीज में पढ़ते हैं क्या हमारा अंत करीब है या अर्थ खत्म हो जाएगा तो बेसिकली ये हमारे तिशारी दोषी जो है वो कहना चाहती है इसके साथ में वो डिस्कशन करती है आखिरकार वो एंटार्टिका कैसे पहुंच गई डिस्कशन करती है स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के बारे में इसी प्रोग्राम के साथ में काम कर रही थी और यह प्रोग्राम क्या करना चाहता है यह प्रोग्राम हाई स्कूल स्टूडेंट्स को लेकर जाना चाहता है दुनिया के अंत तक एंटार्टिका तक उन्हें एडुकेट करना चाहता है एडुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें देना चाहता है हमारे प्लानिट में एक नई थॉट प्रोसेस को जन्म देने के ये छह साल से अभी चलते आ रहा है और इसे कैनेडियन चलाते हैं जिनका नाम है जियन जियो ग्रीन पहले क्या करते थे सेलिब्रिटीज को कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही क्यूरियस थे उन सारे लोगों को एंटार्टिका लेकर जाया करते थे अब ऐसे लोगों को एंटार्टिका लेकर जाने से कोई फायदा नहीं हुआ ये सेलिब्रिटीज और या हम कोई ये अभी हमको बहुत गर्मी लग ये जाटिका जाकर आ जाते थे अंदर भाभी जी को जरा एंटार्टिका वाली आइस की कुल्फी तो खिलाओ हुआ है इससे कुछ ही नहीं होता ये सेलिब्रिटीज जाकर आ जाते थे अपने अपनी जर्नी के बारे में बोस्ट करते थे पर इससे एंटार्टिका वर्ल्ड के अब यू you नो know, जैसे वर्ल्ड सोच रहा है जो चीजें हो रही है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं था चले जा रहा है ये लोग सिर्फ घूम फिर के आ जाते थे और ऐसे में ऐसे में डिसाइड किया जियव ग्रीन ने कि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है ये लोग केवल और केवल कुछ भी अगर एंटार्टिका के लिए कर पा रहे हैं तो वो बहुत ही लिमिटेड है और ये हमें नहीं चाहिए कुछ भी अगर वर्ल्ड के लिए वो कर पा रहे हैं तो वो बहुत ही लिमिटेड है पर हमें ये लिमिटेड नहीं चाहिए इसीलिए उन्होंने स्टार्ट किया स्टूडेंट्स ऑन आई यहां पर वो क्या करते हैं वो करते हैं फ्यूचर जेनरेशन को यूज ये फ्यूचर जेनरेशन पॉलिसी की आप हो आप हो ये फ्यूचर जेनरेशन जो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस जब देखती है ऐसी एज पे जहां पे ना आप यहां पर बातें नहीं करते हो आप सिर्फ बात नहीं करोगे ये होगा ये होगा ये नहीं होगा आप सिर्फ और सिर्फ भाषण नहीं देते हो आप आप रेडी हो अब जॉब करने के लिए सीखने के लिए और सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट करने के लिए बोला क्या होगा इन लोगों को वहां पर ले जाकर उन बच्चों को यहां पर लेकर जाना चाहिए जो डिसीजन लेने वाले हैं जो पॉलिसीज बनाने वाले हैं जो हमारा यूथ है जो कि आप हो क्योंकि आप लोग ऑब्जॉर्ब करते हो चीजों को सीखते हो और सबसे इंपॉर्टेंटली आप एक्ट करना जानते हो आप सिर्फ बातें करना नहीं जानते और आपको वहां पर अगर के बारे में अगर पता होगा अगर आपको पता होगा इन्वायरमेंट के साथ क्या हो रहा है और उसके साथ में क्या किया जा सकता है आप चेंजेस लेकर आ सकते और कोई नहीं आप और इसीलिए उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया स्टूडेंट्स ऑन आई ये प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल है बिकॉज आप आप साउथ पोल के आसपास जहां पर भी चले जाओ आप साउथ पोल से निकल आओगे पर साउथ पोल आपसे कभी निकल नहीं सकता हो ही नहीं सकता कि आप साउथ पोल में चले जाओ एंड आप उससे अफेक्ट हो ही ना आप यहां पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप वहां जाओ और आप पे कोई इंपैक्ट नहीं आए क्योंकि क्या होता है आप अपने घर से जब बात कर रहे होते हो आप जब डिस्कस कर रहे होते हो तब उस टाइम पे कि ये इन्वायरमेंट में ये हो रहा है वो हो रहा है ये वो वो बोस्ट करना बातें करना बातें बनाना आसान है और जब आप वहां जाते हो उसे देखते हो उसे फेस करते हो तब आप उससे बच नहीं सकते उसके इम्पैक्ट से आप बच नहीं सकते जब आप सच में ग्लेशियर्स को देखते हो जब आप देखते हो कि कैसे वो रिट्रीट हो रहे हैं किस तरीके से आइस शेल्स जो है वो कोलैप्स हो रहे हैं गिरे जा रहे हैं आपको रियलाइज हो जाता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ये ऐसे के लिए एक बढ़िया टॉपिक नहीं है सिर्फ ये एक बढ़िया टॉपिक नहीं है ये रियल है इसका डर रियल है आपको इसका अंदाज़ा लगता है तो यहां पर ये चीज़ उन्होंने बताई है कि ये रियलिटी आपके तभी सामने आती है यार एंटार्क्टिका का इकोसिस्टम बहुत ही सिंपल है और लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी की वजह से आप यहां पर बिल्कुल ये सीख सकते हो कि कैसे छोटी से छोटे चेंजेस जो है वो बड़े रिप्रीकाशन बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर सकते हैं तो यहां पर हमें बता ये क्योंकि इतनी सिंपल इकोसिस्टम है अगर आप छोटी सी चीज के साथ छेड़छाड़ करते हो

इंटायर सदर्न ओशन की बात हो रही है पूरे फूर, पूरे फूड चेन की शुरुआत ही करते हैं बाई चांस अगर फाइटो को कुछ हो जाता है पूरा पूरा का फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा तो एंटार्टिका में आप ये सीख सकते हो कि आप जो कहते हो ना कि मेरा एक बल्ब बंद कर लेने से हाँ मेरा ट्रैफिक में स्कूटर बंद करने से पल्यूशन चेक कराते रहने से है ना ठीक है ये 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 सब करने से मैम क्या हो जाएगा मैम इससे क्या होगा ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर ये अच्छी चीज़ें हैं जिनसे अच्छा इम्पैक्ट आएगा और बुरी चीज़ें हैं जिनसे बुरा इम्पैक्ट आएगा पर ये छोटी छोटी चीज़ें भी एक बड़े स्केल पर जब करी जाएं, तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आती है अच्छा या बुरा आपके हाथ तो एंटार्क्टिका की बायोडाइवर्सिटी लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी से हम ये ज़रूर सीख सकते हैं छोटी चीज़ों से कितना बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है सिंगल सेल प्लांट्स हैं जो कि आपकी सन की एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं एंड देन यू नो पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यहाँ पर होता है हमें यहाँ पर पता चला है कि ठीक है यार साइंटिस्ट ये बताते हैं कि यार अगर ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो जाती है तो इससे फाइटो प्लैंटन्स पर बहुत असर आएगा और अगर ऐसा हुआ तो सारे के सारे मरीन एनिमल्स की जिंदगियों पे बहुत असर आएगा ठीक है बर्ड्स पे बहुत असर आएगा इन शॉर्ट पूरी ग्लोबल कार्बन साइकिल जो है वो हिल जाएगी और इसी वजह से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो फाइटो जिसका यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल लिया है इसे आप एक मेटाफर की जैसे ले सकते हो कि छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो ताकि इसे बड़ी सारी चीज़ें जो है वो दे फॉल इन टू प्लेस वो अपने आप सही हो जाए आपका इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा फाइनली वो डिस्कस करती है वॉक ऑन द ओशन जिसमें वो बताती है कि ये सारा मेरा अंटार्टिका का जो एक्सपीरियंस था वो एपिफनी से भरा हुआ था एकदम शॉक और सरप्राइजेस और इतनी सारी चीज़ों से भरा हुआ था इसके बाद में मैं बता भी नहीं सकती कि किस तरीके से मैंने इस पूरे इंसिडेंट को पूरे एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस किया उन्होंने बताया कि किस तरीके से फाइनली उन लोगों ने डिसाइड किया कि एक पेनासोना और एक टेडपोल आइलैंड के बीच में उन्होंने अपना जो गैंग प्लान है ठीक है उसके बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अभी हम लोग जा रहे हैं पर जाने से पहले उन्होंने अपना जो गैंग प्लैंक है उसे उतारा और बोला कि आप लोग यहाँ पर ओशन पे वॉक कीजिए ये 52 लोग थे जो एक साथ वहां पर गए थे और ये 52 लोगों ने अपने अपने जैकेट्स अपने चश्मे सब कुछ निकाल के पहन लिए और फिर एकदम एक्सट्रीम वाइटनेस में इन्होंने वॉक किया ये कि जब वॉक कर रहे थे तो इनके पाओ के नीचे एक मीटर थिक आइस पैक था और उसके नीचे 180 मीटर 180 मीटर की लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर था That means, अगर आप उस एक मीटर नीचे देख रहे हो नीचे लाइफ है आप उस लाइफ को वहां पर देख सकते हो 180 मीटर लाइफ है ब्रीदिंग लाइफ और हमारी हमारी हरकतों की वजह से वो सब कुछ एंडेंजर हो सकता है वो पॉइंट हमसे शुरू होकर हम पे ख़त्म हो सकते वो वहाँ पर सील्स को देखती है जो कि अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हैं आराम से एकदम सन के सामने जैसे कि आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है बनियान ट्री पे हमारे गली के कुत्ते देखने को मिलते हैं एकदम वैसे ही आपको हर जगह पे सील्स जो है वो इजीली देखने को मिल जाएंगे इस सारी चीज़ों को देख उनके दिमाग में सिर्फ एक ख्याल आता है इट वॉज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवल्यूशन आंखें खोल दी थी इस पूरी जर्नी ने उनकी यूरो you रिवील know, कर दिया था उन फैक्ट्स को जो शायद वो कभी नहीं भूलेंगे और देख लीजिए नहीं हैं तभी तो इस पर लिख दिया है और उन्होंने ये जरूर बताया कि ये जो रेवलेशन है ये जो रिवील मेरे सामने जो खुलासा हुआ है वो खुलासा इस चीज का है कि एवरी डज इन कनेक्ट ये एक फुल सर्कल है ये एक फुल सर्कल है जो कनेक्ट करता है एक चीज शुरू होती है और फिर वहीं पर आकर जुड़ जाती है आपके जितने भी एक्शंस हैं आप जो भी एक्शंस ले रहे हो वो आकर वहीं पर कनेक्ट हो मेरे जैसा सर्कल नहीं है वो फुल सर्कल टाइम जोन चेक वाटर बॉडीज और वैसे ही कॉस्पियर के बाद में वो आ गई वापस से अपनी धरती पर बट देन अभी भी वो सोच रही है कि किस तरीके से हमारे प्लान ने बैलेंस किया हुआ है उनके दिमाग में ढेरों सवाल है जैसे हाउ वुड इट बी इफ एंटार्टिका वट टू बिकम द वॉर्म प्लेस दैट इट वॉन्ट्स यू क्या होगा जब एंटार्कटिका फिर से वो गरम प्लेस बन जाएगा वो, वो वो जो वो हुआ करता था will be will we be around to see it or would we have gone the way of the dinosaurs, mammals or wooly rhinos? और क्या हम लोग उस चीज को देखने के लिए जिंदा रहेंगे या हम भी डायनासोर्स और मेमोज और राइनोस की तरह गायब हो जाएंगे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे Who's to say? कौन की बता सकता है ये बात? आफ्टर बट आफ्टर स्पेंडिंग टू वीक्स विद अ बंच ऑफ टीनेजर्स दो हफ्ते गुजारने के बाद में उन्हीं के जैसे बाकी टीनेजर्स के साथ में उन्हें ये जरूर पता चल गया है कि एक मिलियन साल में बहुत कुछ हो सकता है पर शुरुआत एक दिन से आज एक दिन से शुरुआत होती अब इस एक दिन से आप इन मिलियन साल में कुछ अच्छा भी कर सकते हैं और कुछ और डिसाइड जो है वो हमें करना ये था चैप्टर जर्नी टू द द एंड ऑफ आई होप आपको मेरा नरेशन और इसके साथ साथ में आप चैप्टर को समझ गए होंगे चैप्टर को याद रखने के लिए आ, सीरीज ऑफ इवेंट्स का इस्तेमाल कीजिए उस से चैप्टर हर एक पॉइंट से क्लियर हो जाएगा के साथ साथ में मैं आपसे मिलने वाली हूँ अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो मत भूलिए और सपोर्ट कीजिए चैनल को अभी आप ज़रूरत मुझे चाहती हूँ कि जिस तरीके से हमने पिछली बार सारे के सारे वीडियोस को बच्चों तक पहुँचाया था अब ये जो नए वीडियोस हैं नए टॉपिक्स हैं जो किसी ने ऐड किए हैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मैं आपसे मिलने वाली आवाज़ नहीं आ रही कि?